एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। एक बार फिर से बजट और एक बार फिर से प्रदेश के लोगों को आस कि शायद इस बार तो रेल विस्तार के लिए प्रदेश को बजट मिलेगा। इससे बड़ी हैरानी की कोई और बात नहीं हो सकती कि प्रदेश में अंग्रेजों ने जहां तक रेल का विस्तार छोड़ा था आज भी वहीं पर है। हर बार की तरह इस बार भी बजट से है तो बस आस। हर साल भारत सरकार रेल बजट पेश करती है और इस रेल बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लोगों को, और हर बार उनकी उम्मीदों पर पानी ही फिरता है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि अंग्रेजी हुकूमत में प्रदेश में रेल नेटवर्क का जो जाल बिछा था आज दिन तक उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकी है। मंडी जिला का जोगिंद्रनगर वो इलाका है जहां तक अंग्रेजों ने रेल लाइन को बिछाया था। यहां पर पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए रेल लाइन बिछाई गई थी, लेकिन आजादी के बाद देश को चलाने वाले हुक्मरानों ने इसके विस्तार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले कुछ वर्षों से हर बार रेल नेटवर्क के विस्तार के नाम पर सिर्फ सर्वे करवाने की बातें कही जा रही हैं और सर्वे के लिए ही बजट का प्रावधान भी किया जा रहा है, जबकि इससे आगे धरातल पर रेल नेटवर्क के विस्तार का कोई चिन्ह नजर नहीं आता। बिलासपुर भानुपल्ली मंडी लेह रेल मार्ग का निर्माण होना है और इसके निर्माण की बातें बीते कई वर्षों से सिर्फ सुनने को ही मिल रही हैं, जबकि दूसरी तरफ पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल लाइन को नैरो गेज से ब्रॉड गेज करके इसे मंडी तक पहुंचाया जाना था और यह बातें भी सिर्फ सुनने को ही मिल रही हैं, जबकि धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। ज्ञात रहे कि लेह तक रेल लाइन पहुंचाना देश के लिए सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक सुरक्षित रास्ता है जो सीमा तक पहुंचता है और सेना को इसके माध्यम से मदद पहुंचाई जाती है। दूसरी तरफ चीन की बात करें तो लेह से सटे इलाकों में चीन ने अपने रेल नेटवर्क का विस्तार कर दिया है, जबकि भारत इस मामले में अभी बहुत ज्यादा पीछे है। सुरक्षा के बाद अगर पर्यटन की बात करें तो उस लिहाज से भी रेल नेटवर्क काफी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कुल्लू मनाली पर्यटन स्थल आज दिन तक रेल नेटवर्क के साथ नहीं जुड़ सके हैं, जो अपने आप में ही हैरानी पैदा करने वाली बात है। अब एक बार फिर से टकटकी 1 फरवरी पर रहेगी, जिस दिन आम बजट के साथ साथ रेल बजट भी पेश किया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के रेल बजट में प्रदेश के लिए क्या खास हो पाता है। रेल पहाड़ चढ़ना शुरू कर पाती है या फिर सर्वे तक ही सिमट कर रह जाती है। हमीरपुर स्थित आधार इंस्टीट्यूट ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट संकल्प 30 के लिए एडमिशन शुरू कर दिए हैं। संकल्प 30 बिहार में धूम मचा चुके सुपर 30 की तर्ज पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें संकल्प 30 नाम का एक ऐसा बैच बनाया जाएगा जिसमें होनहार 30 स्टूडेंट होंगे और उन्हें इस तरह से कोचिंग दी जाएगी कि 30 के 30 बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना मुकाम बना सकें। क्या कहना है संकल्प 30 बैच पर आधार इंस्टीट्यूट के एमडी अटल शर्मा का, आइए जानते हैं। हमीरपुर स्थित आधार इंस्टीट्यूट ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट संकल्प 30 के लिए एडमिशन शुरू कर दिए हैं। संकल्प 30 बिहार में धूम मचा चुके सुपर 30 की तर्ज पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें संकल्प 30 नाम का एक ऐसा बैच बनाया जाएगा जिसमें होनहार 30 स्टूडेंट्स होंगे और उन्हें इस तरह से कोचिंग दी जाएगी कि 30 के 30 बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना मुकाम बना सकें। क्या कहना है संकल्प 30 बैच पर आधार इंस्टीट्यूट के एमडी अटल शर्मा का, आइए सुनते हैं। आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर हैड टेकन इनोवेटिव एंड करेजियस स्टेप फर्स्ट टाइम इन इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री विद इट्स न्यू बैचेस संकल्प 30। इन संकल्प 30 वी आर एनरोलिंग 30 स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉन मेडिकल एंड मेडिकल स्ट्रीम फॉर 1 ईयर कोचिंग विद रिटन गारंटी ऑफ सिलेक्शन ऑन एफिडेविट। इफ स्टूडेंट डज नॉट गेट सिलेक्शन इन द सेट कोर्सेज हिज और हर फुल फी विल बी रिफंडेड। आपको बता दें संकल्प 30 बैच की शुरुआत आधार इंस्टीट्यूट में साल 2016 से की गई थी और पहले ही साल इसे बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस भी मिला था। संस्थान के संचालकों का कहना है कि इस साल भी उन्हें बहुत ही
जबरदस्त रिस्पांस की उम्मीद है और अभी से उनके पास एडमिशन के लिए कॉल्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमीरपुर के ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में छात्रों का सामूहिक जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने केक काटकर एक दूसरे को जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही खूब डांस भी किया। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों का सामूहिक जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने केक काटा और जमकर डांस भी किया। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल की चेयरमैन डॉक्टर सुमनलता ने बताया कि किसी भी इंसान के लिए उसका जन्मदिन काफी अहमियत रखता है, खासकर बच्चों में उनके जन्मदिन को लेकर काफी उत्साह होता है। इसलिए स्कूल प्रबंधन द्वारा हर महीने के अंत में बच्चों का जन्मदिन साथ में सेलिब्रेट किया जाता है। आज ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में हमारा ये जो है वो प्लान होता है और हम लोग मंथ के पूरे बच्चे जो उस मंथ में जिनका बर्थडे होता है उसको हम कलेक्टिवली सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो ऑक्सफोर्ड के चेयरमैन मिस्टर विकास जी हैं, इन्होंने इस परंपरा को शुरू किया है और ये जो बच्चे इकट्ठे होकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो उनमें बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है और बहुत ही उनके पेरेंट्स भी स्कूल में आए होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। और बर्थडे एक ऐसा दिन होता है जिसे मनाना आप सभी जानते हैं कि बच्चे और बड़े और बूढ़े सब पसंद करते हैं। तो ये जो ट्रेडिशन है वो इस तरह से शुरू की गई है ताकि बच्चों में ये फीलिंग हो कि आज हमारा बर्थडे है और हमारे बर्थडे पे हमारे पेरेंट्स और टीचर्स और हमारे जो कलीग्स हैं और हमारे जो क्लास फेलोज हैं वो कितने खुश हैं। वही ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल की मुख्य अध्यापिका रेशमा दीक्षित का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों में आपसी भाईचारा और प्यार भी बढ़ता है। इस दौरान बच्चे केक काटकर एक दूसरे को बधाई देते हैं और दूसरे बच्चों की खुशी में शामिल होते हैं। टुडेज प्रोग्राम इज स्पेशली फॉर आवर स्टूडेंट्स हु हैव सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे इन जनवरी मंथ। हम क्या करते हैं कि मंथ वाइज बच्चे जो भी हैं उनके जो बर्थडे होते हैं वो मंथ के एंड डे पे सभी बच्चों का बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट किया जाता है, उनके पेरेंट्स को इनवाइट किया जाता है जिससे कि पेरेंट्स भी आके यहाँ पे इंजॉय करते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चों का बर्थडे इतनी अच्छी तरह सेलिब्रेट हो रहा है और बच्चे भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये हमने राइट फ्रॉम आर बिगनिंग की हमने स्टार्ट किया था कि जिन जिन बच्चों का बर्थडे होगा मंथ के एंड में सभी बच्चे मिलकर बनाएंगे। इससे क्या होगा कि बच्चों का आपस में प्यार बढ़ेगा और उन्हें पता चलेगा कि हम कैसे अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। वहीं इस अवसर पर बर्थडे बॉय एंड गर्ल्स भी काफी खुश नजर आए, जबकि बाकी बच्चे भी काफी उत्सुक दिखे। उन्होंने इस अवसर पर जमकर डांस भी किया। आज मेरा बर्थडे था और आज हमने बहुत मस्ती की और डांस भी। मेरी मम्मा पापा भी आए हैं। और केक काटा आपने? अब आप क्या करेंगे, डांस करेंगे? आज मेरा हैप्पी बर्थडे था। तो क्या क्या किया आपने आज? डांस, केक काटा और कौन कौन आए थे? मम्मी पापा। किसका बर्थडे था? मेरा। हाँ, फिर क्या किया आपने आज? केक काटा, डांस किया, टर्बन ली, रैबिट, फैशन पीट, नो नो थैंक यू फॉर मी, आई कैन कैट एंड शंकरना शे। तो वहीं बच्चों के अभिभावक भी इस दौरान मौजूद रहे। Thank you.
आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।